नथिंग फोन वन एक वाकई में काफी ज्यादा भयंकर वाला स्मार्टफोन था। और भले से कुछ लोग बोलेंगे मार्केट में इसकी हाइप खत्म हो गई या फिर अब जो है सो स्मार्टफोन कोई भी नहीं खरीद रहा, बट जो खरीद रहा है वो वाकई में इसकी तारीफ कर रहा है और वाकई में उसको जो है वो महसूस हो रहा है कि कितना ज्यादा अच्छा स्मार्टफोन है। अगर अभी तक आपने सोलह स्मार्टफोन को नहीं खरीदा है और आप थोड़ा सा और ज्यादा वेट जो है वो कर सकते हो लगभग एक महीने का, तो फिर नथिंग फोन टू जो है वो आने वाला है। और नथिंग फोन टू जो है वो ऑब्वियसली एक जो है वो अपग्रेड रहेगा, थोड़े से फ्लैगशिप सेगमेंट में जो है वो जाएगा, लेकिन इसकी प्राइस जो है वो उतनी ज्यादा नहीं होगी जो कि अपने को OnePlus के फ्लैगशिप्स की तरफ से जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन ऑब्वियसली स्पेसिफिकेशन भी जो है वो उतने ताकतवर नहीं होंगे जो कि अपने को फ्लैगशिप में देखने को मिलते हैं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसके स्पेसिफिकेशंस जो है वो पूरे के पूरे जो है वो लीक हो चुके हैं। इसके थोड़े बहुत डिजाइन रेंडर्स भी जो है बाहर आए, लेकिन मैं जो हूं उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करूंगा। अभी तक ऑफिशियली इसके डिजाइन के नाम पर जो है वो थोड़ी बहुत इमेजेस जो है वो लीक हुई हैं, बट पूरा का पूरा फोन का डिजाइन अभी तक लीक नहीं हुआ है। और जो अनऑफिशियल रेंडर्स आ रहे हैं सामने, उसके अंदर इन लोगों ने वाकई में काफी ज्यादा अच्छे खासे झंडे जो है वो गाड़े हैं। आपको तीन कैमरा का डिजाइन देखने को मिल रहा है जो कि वर्टिकल फॉर्म फैक्टर के अंदर जा रहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता नहीं कि नथिंग जो है वो इस वाली अप्रोच के साथ जाएगा, मतलब जा भी सकता है, मैं जो हूं वो पूरा कंफर्म जो है वो नहीं बोल सकता, लेकिन वो जो है वो हो सकता है कि आईफोन वाले फॉर्म फैक्टर पर जो है रहें और कैमरे को जो है वो जितना हो सके उतना आसपास रखें एज कंपेयर टू दिस वर्टिकल फॉर्म फैक्टर। और थोड़ी सी देर पहले मैंने बोली थी स्पेसिफिकेशन जो है वो इतना ताकतवर नहीं होंगे क्योंकि इसके अंदर जो है वो स्नैपड्रैगन 8 प्लस जनरेशन 1 जो है वो आ रहा है। नाउ स्नैपड्रैगन 8 प्लस जनरेशन 1 जो है वो काफी ज्यादा फ्लैगशिप प्रोसेसर था अपने जमाने का, लगभग 6-7 महीने पहले। अब जो है वो स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2 आ चुका है और वो जो है वो फ्लैगशिप कैटेगरी में सबसे ज्यादा टॉप है, लाइक टॉप ऑफ द लाइन प्रोसेसर है वो, लाइक सबसे ज्यादा महंगे स्मार्टफोन्स में जो है वो वाला प्रोसेसर आ रहा है। बट नथिंग जो है वो हमेशा से यही करता आता है, वो जो है वो स्पेसिफिकेशन जो है वो कमजोर देता है, लेकिन ओवरऑल फोन जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा बनाता है, उसको अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज करता है, तो उसकी वजह से जो है वो किसी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी। यहाँ बात करूँ मैं बैटरी की, तो बैटरी भी जो है वो अपने को 200 mAh ज्यादा देखने को मिल रही है। तो फिर अपने को नथिंग फोन 2 के अंदर 4700 mAh की बैटरी देखने को मिल रही है एज कम्पेयर टू नथिंग फोन 1 की 4500 mAh की बैटरी। उसके साथ आगे की तरफ जो है वो 6.7 inch की OLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी और इसके अंदर आपको 4K 60fps की रिकॉर्डिंग भी देखने को मिलेगी। और अभी भी अगर हम नथिंग फोन 1 को उठाते हो और उसे जो है वो रिकॉर्डिंग ऑन करते हो, तो पीछे की तरफ जो है वो लाल कलर की जो है वो LED जलती है, छोटी सी LED जलती है, और वो अपने आप में काफी ज्यादा यूनिक फीचर है। लेकिन इस वाले फोन के अंदर जो है वो एक रेड कलर की पिल जलेगी जो कि एक बोनस ही है, और क्या चाहिए मतलब। उसके साथ बात करूं इसकी लॉन्च डेट की, तो फिर ये जो है वो लगभग 40,000 के सेगमेंट में जो है वो रिलीज होगा। इसकी प्राइस जो है 40,000 समथिंग जो है वो रहेगी और ये जो है वो जुलाई के अंदर ही रिलीज हो रहा है, मतलब अभी जो है वो जून चल रहा है, तो लगभग अगले महीने ही अपने को वाला स्मार्टफोन जो है वो देखने को मिलेगा। और ये वाली बात जो है वो किसी लीकस्टर ने जो है वो लीक नहीं करी है, फिर मैंने किसी वेबसाइट से नहीं पढ़ी है, ये ऑफिशियल CEO कार्ल पे ने जो है वो बोला है, रिवील करा है कि ये जो है वो जुलाई के अंदर रिलीज होएगा ग्लोबली। उसके साथ साथ ऑफिशियली जो है वो फ्लिपकार्ट पर ही जो है वो रहेगा क्योंकि नथिंग का पार्टनर जो है फ्लिपकार्ट ही है, उन्होंने जो है नथिंग ईयर 1 बेचा है और फिर नथिंग फोन 1 बेचा है, तो ऑब्वियसली फोन 2 भी जो है वो फ्लिपकार्ट ही बेचेगी। स्नैपड्रैगन 8 प्लस जनरेशन के साथ में आपको जो है 120Hz डिस्प्ले देखने को मिलेगी, लार्जर बैटरी कैपेसिटी देखने को मिलेगी और उसके साथ ही साथ 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स के साथ में 4 साल तक जो है वो सिक्योरिटी अपडेट्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। तो लगातार जो है फोन अपडेट होता रहेगा, लगातार जो है फोन इंप्रूव होता रहेगा लगभग 3 से 4 सालों तक। फोन की लॉन्जिविटी जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, वो कोई सी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी उसके अंदर। यहाँ पे आपको 12 GB तक की रैम जो है वो देखने को मिल रही है, उसके साथ 5G कैपेबिलिटीज जो देखने को मिलेंगी ही सही। और ओवरऑल नथिंग फोन 1 जो है वो टॉप ऑफ द लाइन फोन था नथिंग की तरफ से, मतलब उससे ज्यादा ऊपर जो है वो कोई सा भी स्मार्टफोन नहीं आता है, तो ऑब्वियसली काफी ज्यादा अच्छा वाला सॉफ्टवेयर सपोर्ट आपको उसके अंदर भी देखने को मिलता है। लेकिन अब जो है वो एक तरीके से फ्लैगशिप स्मार्टफोन है नथिंग की तरफ, तो ये जो है वो काफी ज्यादा फोकस करके काफी ज्यादा अच्छा स्मार्टफोन जो है वो बनाएंगे और उसको जो है वो लगातार करके मेंटेन भी करते रहेंगे। तो अगर आप थोड़ा सा इंतजार कर सकते हो तो फिर कर लो, ये वाला स्मार्टफोन जो है वाकई में तहलका मचा के रख देने वाला है। एंड जब रिलीज होता है तो फिर इसका रिव्यू जो है वो चैनल के ऊपर आएगा, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड दिस इज मिस्टर साइनिंग ऑफ।